श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, भगवद गीता आपके हर प्रश्नों के उत्तर देता है, आपके हर समस्या का हल देता है। चाहे वह आपके परस्थानों मन का हो या फिर धन का, चाहे आपके शरीर का हो या फिर रिश्तों का हो, आपके हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर मिल जाते हैं। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे शब्दों को बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे दुखों का राज इस वीडियो में मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी किसी और के ऊपर जुल्म मत करने दो। व्यक्ति जितना आप सहोगे उतना और लोग सहने को मजबूर कर देते हैं। गीता का पहला अध्याय अर्जुन से योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांध्यक योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया था। कैसव के कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता है, यह तो मेरे अपने ही लोग हैं, तो मेरे अपने ही कैसे मैं युद्ध करूं? तो श्री कृष्ण कहते, कौन अपना है कौन पराया है, जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने इस मन को मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हें निंदा करेगा और डरपोक कहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाओं पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तब गुने भी बोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई भी अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला हो तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है, उसने दुनिया की औकात देखी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोगों को परखने की आदत डालो, जिसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी की उम्मीद। सिर्फ वहाँ देना चाहिए जहाँ से उसे सुनने वालों और समझने वाला खुला दिमाग हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो बंद धागे को दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्ते न खुद कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।